नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट से नए संकट का अंदेशा। बिहार के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, कल हो सकती है बारिश। बिहार में कोरोना के हालात को देखने पहुंची केंद्रीय टीम। वार्ड सचिवों ने भाजपा ऑफिस पर जड़ा ताला। किंग महेंद्र के निधन पर शोक में डूबा जदयू परिवार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, कल हो सकती है बारिश। बिहार में मौसम बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ और उससे उपजी परिस्थितियों की वजह से रविवार को दोपहर बाद राज्यों में कई हिस्सों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी आई, हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकतर भाग में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। दिन का तापमान 3 से 4 दिनों तक नीचे आने के भी आसार है, जिसमें कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। पहले के पूर्वानुमान के अनुसार 27 से बारिश के आसार थे, लेकिन अब 28 दिसंबर को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 29 को बारिश का दायरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। बारिश की वजह से राज्य भर में कनकनी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में भी बदलेगा कोरोना टीकाकरण का तरीका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत देश भर में 15 से 18 साल के युवाओं को टीका देने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत देश भर में अगले साल से होने वाली है। हालांकि इन सबके बीच टीकाकरण शुरू होने से पहले बिहार में खास तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्य योजना बनाने में जुट गया है। इस आयु वर्ग के किशोरों को सही संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग ने दो स्तर से कवायद तेज कर दी है। टीकाकरण से संबंधित गाइडलाइन मिलने और बच्चों का आंकड़ा प्राप्त होते ही किशोरों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जिलों को एक पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें 2004 से 2006 के बीच पैदा हुए बच्चों का विवरण मांगने की तैयारी है। बिहार के ठेकेदारों की करतूत आई सामने। बिहार में सरकार के नाक के नीचे काली कमाई का कौन सा खेल हो रहा है, इसकी जानकारी आपको हर दिन आ रही खबरों को देखकर जरूर मिल रही होगी। ऐसे में इन खबरों की संख्या में कोई कमी तो नहीं आ रही है, उल्टा ऐसी खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिहार के 1800 से अधिक ठेकेदारों की करतूत सामने आई है। बिहार के इन 1800 से अधिक ठेकेदारों ने सरकार से पूरी राशि ले ली, लेकिन जीएसटी जमा नहीं किया है। इंजीनियरों की लापरवाही से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला सामने आने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को उन ठेकेदारों से जीएसटी वसूलने को कहा है, जिनसे इसकी वसूली नहीं हो सकी। जीएसटी की राशि करोड़ों में बताई जा रही है। इस बाबत सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि विपत्रों के भुगतान से पहले संवेदकों की तरफ से जीएसटी जमा करने का प्रावधान है। इंजीनियरों को जीएसटी विवरणी दाखिल की जांच करनी है। बिहार के किसान को पराली जलाने से मिलेगी मुक्ति। देश भर में पराली जलाने की समस्या आम बात है। बिहार में भी पराली जलाने को लेकर अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि फसल कटने के बाद किसानों के पास फसलों के अवशेष बच जाते हैं, जिसे किसान आमतौर पर जला देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने अब खेतों की मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए पहल शुरू कर दी है। बिहार में अब किसानों के पराली से बायोचार बनाए जाने लगा है। ये बायोचार एक उर्वरक है जो किसानों के खेतों की उर्वर शक्ति को बढ़ाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली को लेकर शोध किया है और पराली के साथ साथ गेहूं की भूसी और अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर बायोचार का निर्माण करने की बात कही है। सबसे खास बात यह है कि बायोचार बनाने के लिए किसानों से उचित मूल्य देकर कृषि विभाग पराली का खरीद भी कर रहा है। मुजफ्फरपुर बॉयलर मामले की घटना को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बीते दिन मुजफ्फरपुर के बेला की नूडल फैक्ट्री बॉयलर में हुए हादसे को लेकर श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने एसकेएमसीएच का दौरा किया, जहां इलाजरत घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही साथ उपाधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने इलाज के बारे में जानकारी ली। घायलों ने कहा है कि उनका कोई आधार नहीं है, हमारे जो सहयोगी जान गंवा चुके हैं उनकी चिंता भी आप करिए हुजूर। मंत्री ने भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त जितने मजदूर का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत निबंधन होगा, उनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी। हादसे को लेकर मंत्री ने कहा कि इस साल मई में बॉयलर का निरीक्षण हुआ था, वैसे किस स्तर पर लापरवाही हुई इसकी जांच होने के बाद ही सारी जानकारी निकल करके सामने आएगी। बिहार में कोरोना के हालात को देखने पहुंची केंद्रीय टीम। बिहार में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग जांच पड़ताल में लगा हुआ है। इसी बीच बिहार में संभावित तीसरी लहर
को लेकर बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर पहुंच गई है, जिसके बाद आज ये टीम स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक करेगी। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति और विभाग के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार टीम की तरफ से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती, ऑक्सीजन प्लांट, टीकाकरण आदि की समीक्षा की जाएगी। जानकारों की माने तो कोविड 19 की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए केंद्रीय टीम की तरफ से बिहार समेत अन्य राज्यों में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में टीम पटना पहुंची है। जांच के क्रम में टीम के सदस्यों द्वारा पटना के अस्पतालों का दौरा करने की भी संभावना है। इसको लेकर पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। इसके बाद टीम राज्य के दूसरे जिलों में भी जाएगी। तेजस्वी के बाद तेज प्रताप भी निकले नए साल का जश्न मनाने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाल ही में बिहार से बाहर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने गए थे, जिसके बाद अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी छुट्टियों के लिए रवाना हो गए हैं। तेज प्रताप यादव के फैंस ने उनकी कुछ तस्वीर शेयर की है और बताया है कि नए साल की खुशियां कैसे और कहां मनाने जा रहे हैं। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में बताया गया है कि तेज प्रताप नए साल में वृंदावन में रहेंगे। ट्वीट में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा हूं। तस्वीर में वो अपने हाथ में लिट्टी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, रास्ते में लिट्टी चोखा के आनंद के साथ तेजस का सफर। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस का परिचालन पटना से दिल्ली के बीच किया जाता है। बिहार के आश्रय गृहों की 20 लड़कियां करेंगी नई शुरुआत। नए साल में विभिन्न जगहों के आश्रय गृह में रहने वाली 20 लड़कियों के जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। इन लड़कियों को विभिन्न किस्म के रोजगार में लगाए जाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नए साल के पहले हफ्ते से ही 20 लड़कियां काम पर लग जाएंगी। समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी ने बताया है कि जिन 20 लड़कियों का चयन किया गया है वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी विशेष किस्म का प्रशिक्षण दिला पाना संभव नहीं था। इनके लिए समाज कल्याण विभाग ने ब्रेड और केक आदि के निर्माण से जुड़ी एक नामी गिरामी कंपनी से संपर्क किया। समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से अगले 2 साल तक इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस कंपनी में इन्हें काम मिलना है वहां उन्हें आवासन की सुविधा और सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ड सचिवों ने भाजपा ऑफिस पर जड़ा ताला। बिहार के वार्ड सचिव बीते कई दिनों से लगातार आंदोलन में जमे हुए हैं, लेकिन सरकार को इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि अब तक वार्ड सचिव के प्रदर्शन को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। इसी बीच आज वार्ड सचिव के भी शांत प्रदर्शन का सब्र टूटता देखा गया और आलम कुछ यूं रहा कि सभी वार्ड सचिव पटना भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंच गए और खूब प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों ने कार्यालय को भी घेर लिया और मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए और 4 साल का वेतन दिया जाए, जो पंचायत विभाग की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है उसे निरस्त किया जाए, साथ ही उन्हें काम पर फिर से बहाल किया जाए। प्रदर्शन कर रहे धरना पर बैठे वार्ड सचिव का साफ साफ कहना है कि 4 साल पहले ही हम लोगों की नियुक्ति की गई है, अभी तक सरकार 1 रुपए भी मानदेय के रूप में नहीं दे सकी है। किंग महेंद्र के निधन पर शोक में डूबा जदयू परिवार। राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र के निधन पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में उनके गुजर जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े राजनेताओं ने शोक जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में लिखा कि वो एक कुशल राजनेता और प्रसिद्ध उद्योगपति थे। वो सरल स्वभाव के और काफी मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं इस बाबत केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी अपने शोक संदेश में लिखा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद, उद्योगपति, समाजसेवी डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। इनके अलावा किंग महेंद्र के निधन पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। बिहार के सिल्क सिटी में अब हर घर में होगा इंटरनेट कनेक्शन। बिहार का सिल्क सिटी यानी कि भागलपुर जिले में जल्द ही घर घर में इंटरनेट की सुविधा होने वाली है। इसके लिए स्मार्ट सिटी की योजना से कंट्रोल एंड कमांड केंद्र को सॉफ्टवेयर से लैस करने का काम पूरा हो गया है। इस योजना पर 191.68 करोड़ रुपए खर्च होगा। तिलका मांझी चौक से कचहरी मार्ग से ऑप्टिकल फाइबर पाइप बिछाने का काम शुरू हो गया है। अब तक आई जानकारी के अनुसार शहर में करीब 148 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना है, जिससे शहरवासी को इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में तिलका मांझी से कचहरी चौक, नगर निगम चौक से आदमपुर, नया बाजार से कोतवाली, इसके साथ ही खलीफाबाग और कचहरी चौक तक फाइबर बिछाया जाएगा। सासाराम पहुंचे सीएम नीतीश। समाज सुधार अभियान के तहत आज सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम में है। चंपारण से नीतीश कुमार के
द्वारा शुरू की गई यह यात्रा गोपालगंज होते हुए अब तीसरे पड़ाव यानी कि सासाराम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरे सासाराम में अलर्ट जारी किया गया। फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में सीएम का आज संबोधन देखने को मिला। सभास्थल पर मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद करते देखे गए। जीविका दीदी सीएम को अलग अलग 5 विषयों पर अपने अनुभवों और किए जा रहे कार्यों से अवगत भी कराती देखी गई। दिशा निर्देश की पाबंदियों के तहत ही पुलिसकर्मियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। कार्यक्रम के लिए 70 दंडाधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। पीएम मोदी को बिहार से मिलेगा 1 करोड़ पत्र। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसको लेकर बिहार के प्राइवेट स्कूल के बच्चे सहित स्कूल के शिक्षक कर्मी और अभिभावक प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले हैं जो कि प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाइल अहमद की अध्यक्षता में की जाएगी, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत नए साल में 2 जनवरी से किशनगंज से की जाएगी। प्रधानमंत्री को 1 करोड़ पत्र भेजकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जानी है। नीतीश कुमार लगातार इसकी मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब इस मांग को प्राइवेट स्कूल मजबूती देने वाला है। श्यामल अहमद का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है, इसीलिए केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि बिहार के प्राइवेट स्कूल के टैक्स को सरकार माफ करे और बिना इंटरेस्ट के बैंक से लोन मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट से नए संकट का अंदेशा। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी अब अलर्ट मोड में काम कर रहा है। साथ ही साथ सभी लोगों से लगातार कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की भी नसीहत दी जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बीते दिन कोरोना के संभावित खतरों को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से नए संकट के आने के संदेश मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है, अब अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बाबत कहा कि इस नए वेरिएंट से 80 से ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि अब उम्मीद यही है कि यह वेरिएंट धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। केएल राहुल का कमाल, एक झटके में वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री और विनु मांकर को छोड़ा पीछे। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम दर्ज है। गावस्कर के बाद अब केएल राहुल दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल 122 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे और इस पारी के साथ उन्होंने एक झटके में रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और विनू मांकर को पीछे छोड़ दिया है। यह सेना में राहुल का 4th टेस्ट शतक है। सहवाग, शास्त्री और मांकर के खाते में सेना में 3-3 टेस्ट शतक दर्ज है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अक्षय कुमार यादव, प्रभात कुमार चौधरी, अखिलेश यादव, देवेंद्र देवा, जयेंद्र कुमार, शंकर मुखिया, अजय कुमार चौहान, लाल बाबू, प्रियंका कुमारी, सरोज कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद फैजान, सुशील कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या बिहार में आपके आसपास लोग कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।